हे गाइज, मेरा नाम देविंदर, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल नंबर 11। अगर आप अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 10 नहीं देखें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काउंट इफ फार्मूला और सम इफ फार्मूला का यूज करना सीखेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक डेटा टेबल क्रिएट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डेटा टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है सीरियल नंबर, इसके बाद मैंने यहाँ पे सर्विस नेम, और इसके बाद एम्प्लॉई नेम, और लास्ट में मैंने यहाँ पे टाइप किया है सैलरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्विस नेम में जैसे टाइप किया यहाँ पे टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, इसके बाद IAS, आर्मी। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई नेम में मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज का नाम टाइप किया, इसके बाद यहाँ पे सैलरी में इन सभी का यहाँ पे सैलरी भी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। ओके, तो ये टेबल बनाने के बाद आपको यहाँ पे किसी एक सेल में क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने एक सेल में यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप किया काउंट सर्विस। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना जो सर्विस है उन सभी को यहाँ पे काउंट करूँगा। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू काउंट इफ़। ओके, जो मैंने वहाँ पे फर्स्ट में टाइप किया था काउंट इफ़। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल टू काउंट इफ़, इसके बाद आपको शिफ्ट 9 से आपका पैरेंथेसिस ऑन करना है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना पैरेंथेसिस ऑन किया। पैरेंथेसिस को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा है रेंज। ओके, तो रेंज में आपको यहाँ पे ये पूरा रेंज आपको करना है सेलेक्ट। ओके, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को यहाँ पे छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको पूरा रेंज अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा है कॉमा। ओके, तो आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आप किसको काउंट करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट किया। डबल कोट स्टार्ट करने के बाद आपको जिस भी सर्विस नेम या तो एम्प्लॉय नेम को आपको काउंट करना है उसका आप यहाँ पे नाम टाइप कर दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ सर्विस नेम काउंट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर दिया सर्विस का नाम, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप किया टीचर। ओके, टीचर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट दबाकर आपको अपना डबल कोट बंद करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट 0 से आपका पैरेंथेसिस क्लोज कर देना है। ओके, तो आप एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे मैंने टाइप किया है इक्वल टू काउंट इफ़, जो मेरे फार्मूले का नाम है, इसके बाद मैंने यहाँ पे शिफ्ट 9 से अपना पैरेंथेसिस को ऑन किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे ये पूरा रेंज किया सेलेक्ट। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा, इसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोट में आपको वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है जो आप यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में अपना पैरेंथेसिस क्लोज कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आ गया यहाँ पे 4। ये कह रहा कि जो आप यहाँ पे अभी रेंज अपना सेलेक्ट किए थे उसमें यहाँ पे 4 टीचर हैं। ओके, तो एक बार यहाँ पे काउंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1, इसके बाद यहाँ पे ये 2, 3 एंड 4 टीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा काउंट इफ फार्मूला। आप चाहें तो यहाँ पे कोई दूसरा भी नाम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई दूसरा नाम टाइप करना है, जैसे कि मैंने इस बार यहाँ पे टाइप कर दिया इंजीनियर। ओके, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया इंजीनियर। इंजीनियर टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आप अपना रेंज सेलेक्ट किए थे उसमें यहाँ पे 3 इंजीनियर्स हैं। ओके, अगर आपको काउंट करना तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 1, इसके बाद ये 2, और ये लास्ट में दिया यहाँ पे 3। ओके, तो ये था हमारा काउंट इफ फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ़ का, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू, इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सम इफ़। सम इफ़ टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट 9 से अपना पैरेंथेसिस ऑन करना है। पैरेंथेसिस को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आपसे पहले रेंज पूछेगा, तो रेंज में आपको अपना पूरा रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना पूरा रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा, तो मैंने यहाँ पे एक लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए आपको यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया का नाम टाइप करना है, जैसे कि आप अपने एम्प्लॉय का नाम टाइप कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो अपने सर्विस का नाम टाइप कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डॉक्टर। ओके, मैंने यहाँ पे टाइप किया डॉक्टर, इसके बाद मैंने यहाँ पे डबल कोट से इसको बंद कर दिया। ओके, डबल कोट बंद करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा है सम रेंज, तो सम रेंज में आपको यहाँ पे ये पूरा सैलरी का आपको रेंज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे सैलरी का रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद आपको शिफ्ट 0 से इस पैरेंथेसिस को बंद कर देना है। ओके, तो मैंने इसको बंद कर दिया। ओके, तो जो आपका ये सम इफ फार्मूला है ये नंबर्स को जोड़ता है।
ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप किया इक्वल टू सम इफ, इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा रेंज करना है सेलेक्ट, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा और डबल कोट में आपको यहाँ पे अपने क्रिटेरिया का नाम टाइप करना है। ओके तो मैंने यहाँ पे टाइप किया डॉक्टर, इसके बाद यहाँ पे डबल कोट बंद, इसके बाद कॉमा, और इसके बाद आपको यहाँ पे सम रेंज में आपको यहाँ पे अपना सैलरी सेलेक्ट करना है। ओके तो मैंने यहाँ पे टाइप किया डॉक्टर। ओके तो डॉक्टर टाइप करने के बाद जब आप यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि सभी डॉक्टर्स को आप मंथली सैलरी कितना देते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका यहाँ पे जोड़ सबका आ गया। ओके तो आपको सभी डॉक्टर्स को मिलाकर एक मंथ की सैलरी आपको यहाँ पे 1,46,000 देना पड़ता है। ओके अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे सर्विस का यहाँ पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ उस सर्विस का यहाँ पे नाम टाइप करना है, जैसे कि मैंने इस बार यहाँ पे नाम टाइप किया इंजीनियर। ओके इंजीनियर टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इंटर प्रेस करना है। तो इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सभी इंजीनियर्स को मिलाकर मंथली सैलरी आपको यहाँ पे 1,23,000 देनी पड़ती है। ओके अगर आप यहाँ पे दूसरा कोई नाम टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने इस बार यहाँ पे नाम टाइप किया इसमें टीचर। ओके तो मैंने यहाँ पे टाइप किया टीचर, इसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका यहाँ पे टोटल सैलरी निकल गया। ओके तो आप सभी टीचर को आप मंथली सैलरी 1,35,000 रुपये यहाँ पे देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके तो ये था हमारा सम इफ और काउंट इफ फार्मूला का यूज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।